तो जब मनोज जी जब लाइफ की जब बात आती है तो ऑटोमेटिकली देखिए बात समझिए, आपको पता है लाइफ तो पहले भी थी, लाइफ तो आज भी है जी। लेकिन पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में क्या फर्क हुआ, ये हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। देखिए आपको पता है कि पहले के वक्त में जो लोग, बड़ी शॉर्टेस्ट बात करो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, मैं पहले की लाइफ में आज में क्या फर्क हुआ, आप बखूबी इस चीज को देख चुके हो कि पहले के वक्त जो इंसान थे, हमने देखा हमारे पूर्वज लोग 70-80 वर्ष की उम्र तक भी खेत में चले जाया करते थे, ज्यादा कुछ नहीं बोलने का। मैं सर ये सारी बातें ना अगर हम कुछ पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे ना तो बड़ी अच्छी समझ में आएंगी। मैं एक मिनट प्लीज, बैग में डालने का निकालने का, क्या बोला, पिक्चर्स के माध्यम से। अब पिक्चर्स खुद बोलती है क्या बोलना है, क्या बोला, तो जी लाइफ पहले भी थी लाइफ आज भी है, तो पहले की लाइफ और आज की लाइफ में क्या फर्क हुआ भाई साहब। पहले इंसान 70-80 वर्ष की उम्र तक का बहन जी घर खेत में काम कर लिया करता था, आज क्या हुआ, आज जब इतने बोला मैंने आगे आपने आप तस्वीर बोली तो ढूंढ रहा है क्या बचपन बूढ़ा जमाना क्या खाता पीता था, एक्स्ट्रा लोग मारते यहाँ पे। पहले इंसान ओ जी फास्ट फूड खाना खाता था, योगा करता, आज भी करते हैं लोग योगा, बात ऐसी। आज आपको पता है सर, आप जानते हैं कि 100% बच्चों का जन्म मेडिकल में होता है जी मैडम, और भाई साहब शायद 40% से भी ज्यादा, और आपको अच्छी नॉलेज है, 40% से भी ज्यादा बच्चों का जन्म आज ऑपरेशन से होता है। मतलब इंसान का जन्म होने से पहले ही रिलेशन गोली इंजेक्शन कैप्सूल से जुड़ जाता है। अब देखिए जरा, आपको हमने बात की कि गोली और कैप्सूल तो हमेशा बीमारी के लिए यूज की जाती थी, बीमारी मतलब बीमारी हमने पहले ही बात की थी, ये सारी बीमारियां हैं, मलेरिया स्वाइन फ्लू, इसमें ना मलेरिया ना स्वाइन फ्लू ना चिकन पॉक्स ना ऐसा कुछ है किसके अंदर, सिर्फ क्या करने का, मैं मुंह से बोल रहा हूं, मेरा अंगुली कहां है, इधर ले गए, फिर इस चीज में यहां कर रही, सही बात है, क्या है बीमारियां कौन सी है, स्वाइन फ्लू चिकन, क्योंकि मैं ये ऊपर इजीली बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता ट्यूबरकुलोसिस फंस जाऊंगा मैं, इसलिए बोलता ही नहीं हूं है तो अल्टीमेटली बीमारी नहीं, ये भी मैंने क्या बोला, मलेरिया चिकन पॉक्स हैजा स्वाइन फ्लू ये मैं बोल सकता हूं, इसमें है नहीं तो ढूंढ इधर, सही है। फिर क्या कर दिया, दो तीन वर्ड बोले फिर हाथ घुमा दिया, दो तीन वर्ड बोले हाथ घुमा दिया, ये सारे क्या आंसर, बीमारियां हैं, किससे होती है, ये कुछ ना कुछ कारण है, तस्वीर अपने आप बोल रही है, हाथ हिलाने का इसके ऊपर अपने आप देखता रहेगा, जो समझ में नहीं आएगा अपने आप पूछ लेगा तेरे से, तुझे भी नहीं आता एक बार बोल दे, आपका नहीं पता सर, पता था बता दे, नहीं तो डायलॉग मार दे खत्म, स्माइल करके चेहरे के ऊपर, पूछ ही नहीं सकता ना हाला, सही है। सो सर ये तो देखो कमाल, खुशी की बात क्या है कि आज के दिन ये बीमारियां होती नहीं है, इन पे तो आप जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन आज बीमारी कौन सी है जी, आज की ना बीमारी सारी है, खांसी जुखाम बुखार, इसमें खांसी कही है, इसमें जुखाम है, बुखार है, अस्थमा है, मैं दो तीन नाम बोलूंगा, खांसी जुखाम बुखार, मतलब ये सारी क्या है सर, लाइफ स्टाइल डिजीज। आपको पता है इनका कोई भी कारण कीटाणु देखो है कोई, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है, ये वजह तो हमें बचपन में पढ़ा दी गई थी, जब अब देखो अब तुम फिर फंस जाओगे यहां पे, इसको पढ़ के बोलते हो इसका, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं तो देखिए क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज, सही है, लेकिन कुछ वजह तो नहीं है ना मनोज सर, लेकिन फिर क्या क्या होती है, हमने जब बचपन में स्कूल में पढ़ा साइंस में बात पढ़ाई कि इंसान के जो शरीर की संरचना है वो किससे होती है, ऐसे हाथ घुमाओ किससे होती है, ये सर सारा तो है विटामिन है कैल्शियम, ये मतलब बस 11 से 12 तत्व है, ये सब कहां से मिलते हमारे को सर, ये सब हमें नॉर्मली साग सब्जी दूध दही, दूध दही और फ्रूट से हमें सब कुछ मिल जाता था। मैं सिंपल अगर भाषा में बात बोलूं तो ये सारा है गॉड मेड फूड, क्या है ये, गॉड मेड फूड। अब क्या हुआ आज की दुनिया में, आज की दुनिया में कुछ लालची कुछ कपटी लोगों ने अपने फायदे अपने लालच के लिए ये गॉड मेड फूड को कुछ चेंज करके बना दिया मैन मेड फूड, पिज्जा बर्गर चाउमिंग टाउमिंग पता नहीं हजारों इसके नाम है, आगे नाम मुझे याद नहीं इसलिए मैं मजाक मार देता हूँ,
हजार उसके नाम है सर। इनसे क्या हुआ, इनसे पेट तो भरता है लेकिन जो हमारे शरीर की जो भूख थी मसल्स की वो पूरी इनसे, ये जो है विटामिन प्रोटीन ये पूरा नहीं हो पाता, जिस वजह से क्या हो गया, सिर्फ टमी पेट भार आ गया लेकिन मसल्स इंसान फिजिकल इंसान वीक आज के दिन हो गया है। सही बात है। ओ अच्छा, इसके अलावा सर जो एनर्जी हमें सब्जी और फ्रूट से मिलती थी आज वह भी पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती, क्योंकि आज आप जानते हैं, देखिए ना ये हालात आप सभी को पता, आपको सब पता है इस बात का। यहां हम क्या करते हैं, ये तीनों चीज अलग अलग डिफाइन करते हैं, 10 मिनट लग जाती है क्या बोलने का सर, अब आप पता तो है सारा कुछ। ये जो हालात है आज आप देखते हैं कि आज आपको महीनों महीनों बाद कोई भी सब्जी मिल जाती है खाने के लिए, सही है। आज रातों रात इंजेक्शन लगा के घिया साग सब्जी को भी पका दी जाती है, साइज बढ़ा दिया जाता है उसका रातों रात, सही बात है। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात बोलना चाहूँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि हम और आप अगर जिंदा हैं तो हमारी वैल्यू है जी। सही है जी। लेकिन अगर इंसान मर गया, डेड बॉडी की वैल्यू नहीं होती, 6 घंटे 8 घंटे बाद इंसान निकाल देता है। लेकिन डेड बॉडी को भी आप मुर्दा घर में बफर स्टॉक करके 2 महीने 4 महीने सेफ रख सकते हो, लेकिन 2 महीने बावजूद भी डेड बॉडी ही रहेगी, इंसान तो नहीं बन जाएगा। सही बात है। इसी प्रकार पहले बोलते थे कि हमेशा सब्जी और फ्रूट मौसम के अनुसार ही पैदा होते हैं, लेकिन आज आप देखिए, आज आपको हर मौसम में हर सब्जी और फ्रूट मिल जाता है। गाजर, मूली, पालक, ये सब सर्दियों की सब्जियां थी, लेकिन आपको भी जून जुलाई अगस्त महीने मिल जाएंगी खाने के लिए, मिल तो गई सर। लेकिन जनवरी महीने की गाजर अगर आपको अगस्त महीने में मिलेगी 8 महीने बाद, तो उसके अंदर तो उसकी ताकत जो जान कैल्शियम है सर वो खत्म हो चुका है, वो सिर्फ गाजर की डेड बॉडी है, दिखने में लाल है लेकिन उसके अंदर जान नहीं बची है, और यह इंसान आज का खा रहा है। इसके अलावा मनोज सर, इसके अलावा जो एनर्जी हमें आज खेती से मिलती थी, भाई गेहूं चना बाजरा, आज मजबूरी बस क्या हुआ कि किसान को भी मजबूरी बस पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे आपको पेस्टिसाइड केमिकल यूज करने पड़ रहे हैं, कीटनाशक वगैरह जो भी सारे के सारे जहर तो है सर। हाँ इतना फर्क है जरूर है कि इंसान को पता है कि ये जहर है इसलिए बंदा सेफ्टी यूज करता है, लेकिन बात समझिए जहर से बचता तो नहीं है। अरे जो भी हमने स्प्रे किया है गेहूं चने ज्वार बाजरे पे वो हम लेकर के आते हैं तो है तो कहीं ना उसके ऊपर ही ना, नॉर्मल इंसान धुलाई नहीं करता इसको, सीधा ला करके अपने टंकी में डाल के दोबारा पिसा करके खा लेता है। तो क्या हुआ, पहले का इंसान जो था वो टुकड़े में जीता था, आज हालात ये होगी आज का इंसान टुकड़े में मरता है साहब। कभी उसकी पेट की आंत खराब है, कभी आंख खराब है, कभी हाथ, कभी लंग्स, कभी लीवर, कभी कुछ कभी कुछ। सही बात है। क्या हुआ, इनडायरेक्टली हम क्या खा रहे हैं, स्लो पॉइजन, बस नहीं पा रहे सर। देखिए ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हम ऐसी यूज कर रहे हैं जिनका हमारे शरीर में कोई आवश्यकता जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ये बड़ी अच्छी तस्वीर आपके सामने है, कोल्ड ड्रिंक। अब मैं आपको बोलूं कि जी कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, कोई छोड़ने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो इस बात को बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर बात आपसे करूं, कोल्ड ड्रिंक करती क्या है इसको आप समझिए सर ध्यान से। बाकी आप सर कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप अपने पतीले में डालकर गैस पे गर्म करके देख सकते हो उसका क्या बन जाएगा, तारकोल जैसा उसका आइटम बन जाता है। तो लेकिन आप इस बात को भी शायद नहीं समझेंगे हम लोग, पर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, आप समझदार इंसान है, आप समझदार है और मैच्योर व्यक्ति है सर। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स का काम होता है, जो हवा अंदर जाती है ऑक्सीजन को स्टोक कर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, क्लियर है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है जी, कोल्ड ड्रिंक में होता है सोडा और सोडे में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन मिक्स की जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और मनोसर कार्बन मोनोऑक्साइड हड्डी को गलाने में और डेड बॉडी को जलाने में यूज किया जाता है, सही है। तो इनडायरेक्टली हमने, डायरेक्टली हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, लेकिन इनडायरेक्टली हमने क्या पाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डेफिनेटली सी बात है कि शरीर के ज्वाइंट्स पेन तो होना लाजमी, अभी नहीं होंगे शायद 15 वर्ष 20 वर्ष के बाद होंगे, सही है।
और इंसान सोचता है आज ना मजे लेना, कल की किसने चिंता है। सही है सर। सो और उसको एक कोल्ड ड्रिंक की चाहो तो वीडियो दिखा सकते हो यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद इसके परिणाम बड़े खतरनाक है जी। देखिए अब मैं क्या क्या बताऊं आपको, हाथ फिरा के छोड़ देने का, ये बड़े खतरनाक इसके परिणाम है। इसके अलावा सर और जो चीज आजकल हम यूज कर रहे हैं, आज हर जगह आपको फास्ट फूड खाने को मिल जाता है, हर गली में, चौराहे पे, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज की कैंटीन में, स्कूल में। सही है। मैं इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा सर, आप खुद समझदार हैं इस मामले में, आप खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, कि घर में जो हम खाना बनाते हैं वह खाना 100% हमारा 4 से 5 दिन में सड़ जाता है, सफेद पूछ वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं। सर ये जो राशन है, ये पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये भी तो कहीं ना कहीं आटे या बेसन के बनते होंगे जी। वो खराब इसी का बनता है जी। लेकिन ये महीनों महीनों से रखे हैं, ये खराब नहीं होते। सर ये तो खुद आप सोच सकते हैं खराब क्यों नहीं होते, जब खाना खराब होता घर का बनाया हुआ, ये खराब हो जाते हैं, ये नहीं होते। तो सर जैसे हमारे घर में, आपके घर में शैम्पू डिओडेंट परफ्यूम महीनों खराब नहीं होता, ऐसे ये खराब नहीं होते। सही है। जिस हाई लेवल के केमिकल इन शैम्पू डिओडेंट में बनाए जाते हैं, उस हाई लेवल के केमिकल इन आइटम्स के अंदर मिलाए और मिक्स किए जाते हैं। आप चाहो तो टेस्टिंग कर सकते हो, बर्गर ले आओ मैकडी का, उसके अंदर से आप गोभी और टमाटर के पीस निकाल दो और पैक करके महीना रख दो ड्रॉवर के अंदर, नहीं होता खराब, खाना सड़ जाएगा। लेकिन सही है, कोडिंग चल रही है, ठीक है बात। सो नेक्स्ट, अब देखिए इसके आगे देखिए और भी कमाल की बात है सर, फिर भी इंसान नहीं समझ रहा किस बात को, क्योंकि इंसान आज के दिन टेस्ट के लिए काम कर खा रहा है। सर आज आप किसी भी शादी में जाएंगे तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, आइसक्रीम। अच्छा कुछ व्यक्तियों को तो मनोज जी आइसक्रीम का नाम सुनते ही बड़ी अच्छी फील। सही है जी, क्या है। अब देखिए आइसक्रीम जो अपन लोग खाते हैं, भाई सिंपल सी बात सोचने की मनोज जी, घर में आप जो आइसक्रीम बनाते हैं वो 100% 5 से 7 दिन में खट्टी हो जाती है और कलर उसका चेंज हो जाता है। पर ये जो आइसक्रीम मार्केट में है, ये महीनों से रखी है, ना खट्टी होती ना कलर फेड होता है इनका, तो कोई तो वजह होगी जी, कोई तो वजह होगी है। तो वजह की अगर बात अपन करें इसके अंदर, तो ये जो आइसक्रीम है इसमें पिप्रोनाइट नाम का केमिकल डाला जाता है जिससे वो कलर दिया जाता है। आप घर में अगर काला हीट कॉकरोच मारने उठा के देखेंगे तो उसके अंदर भी एक केमिकल मिक्स है, मतलब कॉकरोच मारने के लिए जो केमिकल है वो इसके अंदर मिक्स है। अपन खाते हैं जी। दोस्त कम है इसलिए मरते नहीं है, पर आहिस्ता आहिस्ता डोज इकट्ठी होती है ना शरीर में। सही है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जमाने का टेस्ट है सिर्फ। इसके आगे जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, देखो इन पर तो हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है जी। इनके जो परिणाम है सर वो बड़े खतरनाक, मैं थोड़े से आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा, इनके जो परिणाम है वो बड़े डेंजरस है। आज आप देखते हैं कि आज जो हिंदुस्तान जो है हार्ट की जो समस्याएं हैं वो इंडिया वर्ल्ड की मतलब पहली कंट्रीज में आने वाली है। डायबिटीज में आज हिंदुस्तान वर्ल्ड की राजधानी डिक्लेयर हो चुकी है। एवरेज बोल रही है कि 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति को डायबिटीज हो चुका है, और मेरे से ज्यादा ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, रोज टीवी देखते हो आप जी, रोज की न्यूज होती है आज के दिन ये। सही बात है, सही बात है। आज की समस्या है मोटापे की, मोटापे एक बड़ी खतरनाक बीमारी हो चुकी है, ठीक है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिसका देखो दिमाग खराब है, बाप का, मम्मी का, बच्चे का, जिसका देखो दिमाग बड़ा खराब रहता है, दिमाग खराब है, मुझे टेंशन है, मुझे ये है, यार टेंशन बीमारी है, कौन सी कभी नजर नहीं आई जिंदगी मस्त। सही है, सही। कैंसर की समस्या है, आज कैंसर इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ कैंसर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है जी। आज हर गाँव में कैंसर पहुंच चुका है, कोई आज से 10 साल पहले इसका नाम भी नहीं जानता था कैंसर क्या होता है, है? ठीक है। हड्डियों की प्रॉब्लम, कमजोरी, हड्डियों में सुराख होना, लेडीज प्रॉब्लम है, मतलब ये सारी बीमारियां अनलिमिटेड हो चुकी है, क्लियर है। अगर इनके बारे में थोड़ी हम बात करें सिंपल सी, तो देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले का जो इंसान, अब देखो अब आपके खत्म हो गया ये चैप्टर आपका था, अब आपका यहां थोड़ा सा हेल्थ एडवाइस चलेगी। क्या चलेगी? हेल्थ एडवाइस चलेगी, ताकि उसे यह ना लगे आप उसे इससे अपना माल बेचने के लिए आए हो, और एडवाइस भी ऐसी जो बिल्कुल प्रैक्टिकली होंगे आज इसके कुछ बात है अच्छे तरीके से। अब देखिए सर ये जो सारी चीजें, नहीं प्रॉब्लम है क्या,
देखो मैं एक बात आपसे की, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पहले इंसान खाता था पेट के लिए, आज खाता है टेस्ट के लिए, और पहले इंसान जीता था लंबी लाइफ के लिए, आज जीता है स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। अब पेट से टेस्ट, पेट से टेस्ट, इस पे इंसान जब आया तो लाइफ ऑटोमेटिकली छोटी होगी। अब देखो पेट से टेस्ट की बात अगर हम करें तो और स्टैंडर्ड की बात हम करें, अब मुझे बताओ आपके हर घर में, हमारे आपके घर में 4, 5, 8, 10 साल के बच्चे सब ब्रश करते हैं, सही है, ये तो पढ़ाई बन चुकी है ना, बिना ब्रश कुछ खाना पीने का नहीं। अच्छा सोचने वाली बात है सर, 5 साल के 8 साल के बच्चे के दूध के दांत नहीं गिरते, और दूध के दांत में ना कीड़ा लगता, दूध के दांत ना काले होते ना पीले पड़ते, फिर ब्रश क्यों? और वो दांत तो जाने ही है, नए दांत आने पक्की बात है ये, तो जब दांत दूध के हैं तो मसूडे कच्चे भी होते हैं, सही बात है। अब दूध के दांत में बच्चे रोज करते हैं ब्रश, ये क्या है स्टैंडर्ड? देख क्या बोलते लोग, देखा मेरा बेटा बच्चा भाई साहब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में सुबह बना ब्रश किए कुछ भी नहीं खाता पीता, ये क्या है? स्टैंडर्ड है। ब्रश से बच्चा क्या दिखता है? स्टैंडर्ड दिखता है। इस स्टैंडर्ड के चक्कर में इसे ये नहीं पता कि उम्र 40 को क्रॉस करेगी मुंह में दांत नहीं मिलेंगे, तो बचपन निकला स्टैंडर्ड में, लेकिन बुढ़ापा जाएगा दो दो दलिया पीने में, खाना नहीं खा पाएगा, सही बात है। ऐसे इंसान पहले पेट से किस पे आए जिंदगी मास के दिन? टेस्ट पे। देखो पहले हमने आप सबने दूध पिया है तो घर में दूध पिलाते बेटा पी जा, चोटी बढ़ गई मुँह छा गई, ऐसी ऐसी बात बोलते थे। आज बिना बोनविटा बिना हॉर्लिक्स बिना बूस्ट आज बच्चे दूध की घोट नहीं पी सकते, अगर मलाई आ जाती है तो बच्चे को उल्टी आ जाती है, ये सिचुएशन बन चुकी है आज के दिन औलादों की हिंदुस्तान के अंदर है। अब किसी को यह नहीं पता कि बोनविटा हॉर्लिक्स बनता किससे है, सब पिलाया जा रहे हैं भर भर के पैकेट भर भर के गिलास, क्यों? टीवी में एड देख लिया जी, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय बूस्ट, सचिन की एड दिखा दी बूस्ट बेच डाला, सही है, बनता किससे है? मूंगफली गिरी का तेल निकाल दे पीछे खड़ी बस्ती है भैंस खा जाती है, आजकल उसको बोनविटा बना करके दे दिया जाता है, सब खाते हैं, तो क्या हुआ जिंदगी स्टैंडर्ड में कहाँ पे आ गई, सही है। तो ये सारी जो समस्या है ना, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। अब देखो कुछ बड़ी बीमारियां नहीं है सर, खैर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है ये, सो देखो कुछ बेसिक सी बात अगर इंसान जिंदगी में उतार ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। जैसे अगर बात हम करें, सुबह नॉर्मल इंसान की शुरुआत सुबह चाय से होती है, बिना चाय के आज लोगों की आंख नहीं खुलती सुबह सुबह, बराबर मानिए मेरी बात का, अगर भाई अपने घर के अंदर भी हालत ऐसी होती है, सही है। सो अब सुबह की चाय क्या करती है सर जिंदगी में कुछ? देखो सर करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, आपको मेरी बातें नॉलेज कैसी लगी मुझे नहीं पता, पर एक बात लाइफ में ट्राई कर लेना सर, होश के ना सुबह की खाली पेट चाय पीना छोड़ दो सर, सुबह की खाली पेट चाय दिन की 10 कप चाय से भी खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्यों आप सोचोगे क्यों होती है, कैसे बोला? तो समझिए बात ध्यान से सर, जब सर इंसान रात में सोता है और सुबह जब सोकर उठता है तो पहली लार जो होती है, पहले जब सफेद दांत कभी चेहरे पे हो जाया करते थे लड़का लड़कियों को, तो बुजुर्ग लोग बोलते थे बेटा उठते ही थूक लगाने का दांत ठीक हो जाएंगे, सर वो दांत आज भी ठीक होते हैं, लेकिन आज कोई पापा कोई मम्मी बोलता नहीं है कि दांत से थूक लगाने का, क्यों? आज हर घर का फैमिली डॉक्टर बन चुका है, सब काने थे डॉक्टर के पास, 2-2.5 महीने इलाज चलता है, बिल आएगा 2,500 से 5,000 रुपए, सब खुश हो जाएंगे, हाँ हाँ मजा आ गया मजा आ गया, दांत थूक से आज भी ठीक होते, क्यों होते हैं? क्योंकि सुबह की जो पहली लार होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक होती है, क्या होती है जी? सबसे बड़ी एंटीबायोटिक। और अगर मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये बात साइंस बोलती है कि अगर आप लिक्विड एंटीबायोटिक में निकोटिन मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? स्लो पॉइजन। लार एंटीबायोटिक चाय निकोटिन सुबह सुबह कप अंदर, तो सर हालात बुरी होनी है, तो कृपया करके अगर होश के सर सुबह की चाय आप छोड़ दें, आप 1 महीना ट्राई कर ले, आपको अपने आप फर्क समझ में आ जाएगा। और देखो चाय पीनी पड़ती है, पता सभी को है कि चाय खतरनाक नुकसानदायक है, फिर जैसे मैंने भी आप घर में आपकी पी ली चाय भी, तो एक बात अगर आपको चाय के नुकसान कम करने हैं तो चाय से जस्ट पहले आप 1 गिलास पानी पिए, चाय के 60% नुकसान कम हो जाएंगे।
अगर वही पानी आप चाय के तुरंत बाद पियेंगे तो सर पायरिया होने के चांसेस 90% हो जाएंगे। और हम तो तीन बात पे काम बात करते हैं जी, क्या खाते हैं, कब और कैसे, क्या कब और कैसे। देखो तो वही पानी वही चाय है, सिचुएशन बदल दी कब और कैसे वाली तो इलाज, सिचुएशन बदल दी कब और कैसे वाली तो बीमारी। सही बात है सर, है कि नहीं। अच्छा इसी बात पे की बात आपको बताऊं, एंटीबायोटिक मैं आपको थोड़ी एक न्यूज दिखाना चाहूंगा, जी न्यूज की, ठीक है, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि आज इंडिया में एंटीबायोटिक दवाइयां काम करना बंद करती जा रही हैं। फट लैपटॉप कनेक्ट, जी न्यूज लगाओ, वो न्यूज को दिखाओ यहाँ पे। सही है सर, है कि नहीं है सर। कुछ होना हो ये कम अवश्य कर लें। देखो आजकल ना मैंने क्या बोला, जिंदगी किस्मत चलेगी स्टैंडर्ड में, अब हर व्यक्ति पानी ऐसे पीता है, ये क्या है जी, स्टैंडर्ड है सर। कोई भी आपको अच्छा डॉक्टर बता देगा कि ऐसे पानी पीने से हार्ट 100% कमजोर होता है। हाँ 100% क्या होता है, हार्ट कमजोर होता है, और ऐसे पानी कम पिया जाता है। और ऐसे पानी पीने में आज तक आपको पानी का टेस्ट समझ में नहीं आया, लोग बोलते हैं पानी टेस्टलेस है, जबकि पानी बहुत टेस्टी है। एक्चुअल जो पानी का तरीका हो वो कैसे होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना सर, ऐसे पानी पीना स्टैंडर्ड है और ऐसे पानी पीना, अरे अनपढ़ है तो बिल्कुल कुछ ही नहीं पता, और अनपढ़ को दिखना नहीं चाहता। सही है, ऐसे पानी ज्यादा पिया जाता है, लंबे टाइम तक प्यास बुझती है, और शरीर में 70% पानी है, और मोस्टली इंसान के शरीर में आज पानी की कमी हो रही है। दिन में अगर हर, सुनना मेरी बात, हर 20 लीटर पे दो, आज 20 केजी वेट पे 2 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका 80 केजी वेट है तो कितना पानी चाहिए, 8 लीटर, पीते नहीं 2 लीटर भी, तो फिर क्या होगा, बीमारी तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर प्रॉब्लम तो होनी है। सही बात है जी, हैं? तो कृपया ये चीज तो सुधार सकते अपन लोग जी। ये सुधार सकते हैं। अगर एक इंसान सर्दी के 3 महीने अलसी के बीज भी खा ले तो भी शायद कभी लाइफ में कभी आपको नस ब्लॉकेज अटैक की समस्या शायद कभी लाइफ में ना आए। ठीक है, अलसी के बीज सबके घर में मिल जाते हैं, पर प्रॉब्लम है सर खाए कौन, प्रॉब्लम है इन्हें बनाए कौन, नीम हर घर में है, हर गांव में है, लेकिन दातुन तोड़े कौन, टाइम किसके पास है। पहले इंसान को चोट लगती थी, गुम चोट लग जाती थी, हड्डी टूट जाती थी, तो सबसे पहले दूध में हल्दी, अमिया हल्दी और 2 चम्मच घी डाल के पिला दिया करते थे। क्यों जी, ये पता नहीं था क्यों पिलाते थे। आज का इंडिया इंसान पढ़ा लिखा इंसान है, सबको पता है कि हल्दी दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है, लेकिन फिर भी पीते नहीं है। जब तक डॉक्टर आएगा नहीं, टीका लगेगा नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। हल्दी ताज में मिलती है सर जी। सही है, तो ये कुछ सारी ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारी जो है हम हमारे प्रोग्राम में देते हैं, लेकिन क्या कि अभी थोड़ा समय का अभाव सर आपके पास भी मेरे पास भी। सो अब इंसान इतना बिजी हो गया है, अब इंसान इतना बिजी हो गया है कि उसके पास सही मात्रा अगर बात में करूं तो समय नहीं है इन सब चीजों के लिए। सही है, समय ना होने की वजह से ही आज इंडिया में आयुर्वेद जो हो घर से निकल गया है जी। और आयुर्वेद ये सब आयुर्वेदी तो है, सुबह खाली पेट पानी पीने का, चाय नहीं पीने का, पानी को बैठकर पीने का पानी, ये सब आयुर्वेद है सर, और आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत थी। तो यह बात हमें समझ में आती है, इसी वजह से इस बिजी शेड्यूल में इंसान की बिजी लाइफ होने की वजह से आज हमारी संस्था है जिसने ये उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर समय रहे तो हम ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हमारे घर में हर महीने आ टपकती हैं उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समय आपके पास, समय हमारे पास ना होने की वजह से मजबूरन हमारी संस्था ने कुछ प्रोडक्ट आयुर्वेद के मैन्युफैक्चर किए हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की लाइफ में, बिजी लाइफ में, अगर रोजमर्रा की लाइफ में अगर टॉनिक के रूप में यूज करें तो शायद कभी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम समस्याएं ना आए। मैं थोड़ा सा छोटे बात करना चाहूंगा हमारे इन प्रोडक्ट के बारे में, अल्टीमेट रिजल्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट है सर, आप समझिए इस बात को ध्यान से, क्लियर है।